मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। ये लाइन्स अक्सर आपने टीवी सीरियल्स और मूवीज में सुनी होगी, लेकिन ये गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा शुरू कैसे हुई, ये कब कानून बन गया और आखिर क्यों हम गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, रामायण पर नहीं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई, ये किस तरह से कानून बना और आखिर क्यों हम गीता पर ही हाथ रखकर कसम खाते हैं, रामायण पर नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। इंडिया में मुगल शासकों के द्वारा धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर कसम या शपथ दिलाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, दरअसल मुगल शासकों को भारतीय नागरिकों की बातों पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास जरूर था कि भारतीय नागरिक अपने धर्म की किताबों पर हाथ रखकर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और यही से इस परंपरा की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कि आखिर ये परंपरा कानून कैसे बनी। मुगल शासन काल तक गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रक्रिया महज एक प्रथा या परंपरा ही थी, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कानून बनाया और इंडियन ओथ एक्ट 1873 को पास किया, और उसके बाद इसे सारे अदालतों में लागू कर दिया गया। इंडियन ओथ एक्ट 1873 के तहत सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने संप्रदाय की धार्मिक किताब पर हाथ रखकर शपथ खाएंगे, ऐसा सुनिश्चित किया गया। जैसे हिंदू संप्रदाय के लोग गीता पर हाथ रखकर, मुस्लिम संप्रदाय के लोग कुरान पर हाथ रखकर और ईसाई संप्रदाय के लोग बाइबल पर हाथ रखकर, इस तरह से ये परंपरा एक कानून बनी। अदालत में कसम खाने की ये परंपरा स्वतंत्र भारत में भी चालू थी, लेकिन इस परंपरा को 1969 में समाप्त कर दिया गया जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इंडियन ओथ एक्ट 1873 को सुधारने का सुझाव दिया गया और इसके स्थान पर इंडियन ओथ एक्ट 1969 को पास कर दिया गया। इस कानून के पास होने से इंडिया की सभी अदालतों में शपथ लेने के स्वरूप में बदलाव आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर ही शपथ दिलाई जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी को अपनी अपनी किताबों और अपनी अपनी शपथ लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं जो भी कहूंगी वह सत्य, संपूर्ण सत्य और केवल सत्य होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि अगर गवाह की आयु 12 वर्ष से कम है तो उसे किसी भी प्रकार की शपथ नहीं दिलाई जाती, क्योंकि बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन अगर शपथ लेने के बाद भी कोई गवाह झूठ बोल दे तो प्रेजेंट में कोर्ट में जज के सामने दो तरह से शपथ ली जाती है, पहली ओरल यानी मौखिक और दूसरी रिटन यानी शपथ पत्र के द्वारा। अब यदि कोई व्यक्ति शपथ लेने के बावजूद झूठ बोल देता है तो यह इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 193 के तहत एक कानूनी अपराध है, जिसके लिए उस व्यक्ति को 7 साल की सजा हो सकती है। अब यदि कोई व्यक्ति किसी कानूनी कार्यवाही में झूठे साक्ष्य या प्रमाण पेश करता है तो इसके लिए भी उसे 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि आखिर क्यों हम गीता पर हाथ रखकर कसम खाते थे, रामायण पर नहीं। इसके पीछे एक लॉजिक है कि रामायण जहाँ पर श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, जहाँ पर श्री राम कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते थे, लेकिन गीता हिंदुओं का एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जहाँ पर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पर गीता में केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन नहीं है, यहाँ पर सत्य को स्थापित करने के लिए मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं मुसलमानों में कुरान और ईसाइयों में बाइबल को समान रूप से मनुष्य के जीवन को मार्गदर्शन दिलाने वाले ग्रंथ माना जाता है, इसीलिए हम गीता की कसम खाते हैं, रामायण की नहीं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस।